गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में भूगोल प्रायोगिक का जो पहला टॉपिक है तुंगता बारंबारता ग्राफ अल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। इसको बनाने के लिए हमें कुछ आंकड़े चाहिए होते हैं। यहाँ पर हमने कुछ काल्पनिक आंकड़े लिए हैं कि किसी समोच्चरेखीय मानचित्र में जो ऊंचाइयाँ हैं उनके कुछ ब्लॉक्स हैं उनकी जो ऊंचाई हैं वो मीटर में यहाँ पर ली गई हैं। ये आपको इसी तरह से कुछ संख्याएं दी गई होंगी जो असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती हैं, अर्थात वो आरोही क्रम में भी हो सकती हैं और अवरोही क्रम में भी हो सकती हैं, या फिर यदि वो संख्याएँ घट बढ़ रही हैं तो सबसे पहले उनको आप सिस्टमेटिक ढंग से क्रमबद्ध ढंग से यानी कि आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, घटते क्रम में या अधिक से कम की ओर या कम से अधिक की ओर क्या कर लेंगे, व्यवस्थित कर लेंगे, जिससे कि जो हम जो एक सारणी बनाएंगे उसको बनाने में क्या रहेगी, हमें सुविधा रहेगी। दिए गए जो आंकड़े उनसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, उसमें वर्गांतर टेली बारंबारता। वर्गांतर बनाने के लिए आप जो आपके आंकड़ों का प्रसार है जिसमें न्यूनतम सबसे छोटी जो संख्या है वो 51 है और जो सबसे बड़ी संख्या है वो आपका 219 है, तो यहाँ पर ये देख लेंगे और उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, वर्ग डिसाइड कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर जो वर्गांतर है वो 25 का लिया है और जो वर्ग बनाए हैं वो बनाए हैं 25 के इंटरवल से, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125, 125 से 150, 150 से 175 और 175 से 200 और 200 से 225। आपको क्या करना है कि प्रत्येक जो वर्ग है उसके अंतर्गत जो ऊपर जो ऊंचाइयां मीटर में लिखी गई हैं उनको काउंट करना है। जैसे 50 से 75 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 5, तो हम टेली वाले कॉलम में 5 टेली लगाएंगे। 5 टेली कैसे लिखते हैं, 4 टेलियाँ लिखेंगे, पहले 4 खड़े डंडे लिखेंगे और उसको क्रॉस कर देंगे तो वो एक पूरा समूह बंच क्या बन जाएगा, 5, और बारंबारता में उसको संख्या के रूप में क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। इसी प्रकार 75 से 100, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि 50 से 75 के अंतर्गत जो वर्ग की ऊपरी सीमा है 75 और अगले वर्ग की भी जो निचली सीमा है 75, दोनों क्या हैं, कॉमन है। तो ऐसे में अगर कोई संख्या जब आप काउंट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 68, 68 के बाद 75 होता, तो 75 को आप इस वर्ग में शामिल ना करके किस में करें, अगले वाले वर्ग में शामिल करेंगे। इसी तरह से आपको ध्यान रखते हुए सभी संख्याओं यानी सभी वर्गों के लिए आपको टैली और बारंबारता यानी कि संख्या फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। यहाँ पर उसका टोटल भी कर लेंगे कि जो हमने फ्रीक्वेंसियाँ निकाली हैं, बारंबारता निकाली हैं, जितनी संख्या हैं उतनी ये हमारा योग हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर ये कम या ज़्यादा हो रहा है तो आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए एल पैमाना लेंगे, यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी, इसके लिए आप स्केल निर्धारित कर लेंगे, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 फ्रीक्वेंसी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अधिकतम कितना है आपका, 9, 10 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। वर्टिकल स्केल हो गया। ओरिजेंटल स्केल पर आप क्या बनाएंगे, जो आपका क्लास इंटरवल है यानी कि वर्गांतर है वो हम ओरिजेंटल जो स्केल है हमारा ओ एक्स अक्ष, उस पर ये वर्ग बनाएंगे। इसके लिए जैसे हम सिंपल जो बार डायग्राम बनाते हैं ठीक उसी प्रकार हम वर्ग के लिए कोई भी एक जो अंतराल है सेंटीमीटर में वो निश्चित कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर अपन ने वो ले लिया, तो इसको हम 50 मान लें, 1 सेंटीमीटर, ये 75 हो गया, ये आपका 100 हो गया। हर 1 सेंटीमीटर पर आप 25 के अंतराल पर इस तरह से ये वर्ग की जो सीमाएँ हैं वो क्या कर देंगे, लिख देंगे। 175
200 और ये 225, ठीक है। उसके बाद अब हमको क्या बनाना है, एक तुंगता बारंबारता ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे, जैसे 50 से 75 के लिए फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता कितनी है, 5, तो 50 से 75 में ये आपका हो गया 5, ये 50 ये निम्न सीमा हो गई वर्ग की, ये ऊपरी सीमा हो गई, और ये हो गया आपका 50 और ये 75। अगली कितनी है, 7, ये 75 से कितना है 100, तो इसको हम 7 तक क्या करेंगे, बढ़ाएंगे और 75 से 100 तक इसको इस तरह से बना देंगे। फिर है 9, फिर इसे ही 100 से 125 कितना है 9, ये बना देंगे। फिर कितना है 4, 125 से 150 में कितना है 4 है, तो हम इसको नीचे लाएंगे 4 तक, और 4 के लिए एक बार बनाएंगे। फिर कितना है 7, 150 से 175 कितना है 7, इसको 7 तक ले जाएंगे, ये 7 हो गया आपका। फिर है आपका 10, 175 से 200 में कितना है 10, ये 10 हो गया आपका। फिर कितना है 8 है, ये 8, ये लास्ट हो गया। हम इसको क्या कर देंगे, 125 पे यहाँ आकर इसको मिला देंगे। तो ये पूरा का पूरा जो आपने एक बार ग्राफ बनाया है, वो अलग अलग जो सीमाएं उन पे ना बनाकर हम उसको क्या करते हैं, एक ही आधार पर बनाते हैं, जिसे एक पूरा का पूरा क्या दिखता है, आयत दिखता है, एक चित्र दिखता है, जो उसके क्षेत्रफल को क्या करता है, व्यक्त करता है। इसमें हम शेड दे देंगे, तो हमें ये जो आकृति है एक ही रूप में दिखाई देगी, अलग अलग रूपों में दिखाई नहीं देगी। इसके ऊपर लिख देंगे अल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम। तो ये एक शीट आप अपने प्रैक्टिकल की जो प्रायोगिक भूगोल है उसमें आप बनाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।